नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज जैन साहब पृथ्वी फिनमार्ट के, जतिन त्रिवेदी हैं LKP सिक्योरिटीज के, मनोज झा हैं कामाख्या ज्वेल्स के और कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जतिन जी, आपका व्यू सर सिल्वर पे, जतिन त्रिवेदी? फुल पॉजिटिव व्यू है मिर्जा जी, इस हफ्ते कोई भी नेगेटिव ट्रैक्शन नहीं है। जैक्सन होल जो वीकेंड पर आएगा उसके पहले कोई भी नेगेटिव न्यूज फ्लो ना होने के कारण, डॉलर इंडेक्स की वीकनेस के कारण, चांदी अन्य कमोडिटीज सब में आपको बाइंग जो है मोमेंटम देखना मिलेगा इन द नेक्स्ट 3 to 4 days। सिल्वर के अंदर 72,500 से लेकर 72,800 के टारगेट्स पकड़ के चलिए, 70,950 के नीचे नहीं लग रहा फिलहाल तो सिल्वर। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि अभी चांदी में आगे का टारगेट होगा क्या। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रूड में, मेटल में और एग्री मार्केट में क्या चल रहा है, कि क्रूड में आपको क्या करना है, मेटल में कोई कॉल आपकी आज के लिए जतिन जी, जहां पर आपको लगता हो कि ट्रेड लेना ठीक रहेगा बेस मेटल्स में? मुझे बड़ी हाई कन्विक्शन के साथ ट्रेड रहेगा बेस मेटल्स के अंदर। मुझे लग रहा है रिकवरी जो और आपको बढ़ती हुई देखने मिलेगी इस वीक के दौरान। फ्राइडे तक मेरे टारगेट जो है वो जिंक के अंदर 215 से 217 है, एल्यूमिनियम के अंदर 204 से 205 और कॉपर के अंदर 740 से 745। मुझे लग रहा है बेस मेटल के अंदर ये जो वीकनेस का दौर था, जो चाइनीज इकोनॉमी की तरफ से जो बैंक चाइनीज बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट लोन की तरफ के जो इंटरेस्ट के जो अपडेट आने थे वो आ चुके, नेगेटिविटी जो भी था वो अब्सॉर्ब कर लिया बेस मेटल ने। अब मुझे यहाँ से शॉर्ट कवरेज रैली जो है वो और बढ़ती हुई देखने मिल रही है। तो ये जो लेवल्स मैंने बताए हैं टारगेट्स के हिसाब से वहां पर आप ट्रेड करके चल सके हैं। जिंक के अंदर स्टॉप लॉस जो रहेगा 208 का रहेगा, एल्यूमिनियम के अंदर 197 का और कॉपर के अंदर 720 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेटल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, जरा आप बताइए जतिन जी, आपके हिसाब से इस वक्त करेंसी मार्केट का बिहेवियर क्या रहने वाला है? जैक्सन होल के अपडेट के पहले जैसे मैं बताऊं कि कोई मेजर अपडेट ना होने के कारण रेंज बाउंड मार्केट लग रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसके कारण से रुपया के जो है थोड़ा सा सपोर्टिव मेजर्स लेते हुए देखने मिल रहा है। 83.25 एक सपोर्ट लेवल रहेगा जहां से जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रुपए के लिए और 80-70 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इस रेंज के अंदर ही प्ले करना चाहिए रुपए को। इसके बाहर फिलहाल तो मैं नहीं देख रहा हूँ। नेक्स्ट वीक जो है ट्रेंड। ओके, ठीक है, तो ये करेंसी पर आपकी राय मनोज। तो चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, जतिन जी आपका। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।